What's up beautiful people, welcome back to Cheka. If you are new to the channel और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन विद ऑल. तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक भयंकर खतरनाक कान फाड़ देने वाला, समझ गए ना, ड्रिंक जिसका नाम है ब्रो कोड. इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बढ़िया सा दारू तथ्य, तो पूरा वीडियो देखो, एंड तक बने रहो मेरे साथ में और उसके बाद में जाओ. तो ये जो महाशय है, वैसे मैंने कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले से ड्रिंक को पी चुका होता हूँ, लेकिन रिव्यू जो है वो रिव्यू के तरीके से करते हैं. इसका भी रिव्यू मैं रिव्यू की तरह से ही करूंगा, जो मैंने पहले से पिया है और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये पीते हुए बहुत डर लग रहा है, मेरी बहुत फट रही है इसको पीने से. लेकिन अब चैनल पे रिव्यू करना है, लोगों ने डिमांड भी करी थी, तो कर लेते हैं ब्रो कोड ओजी का रिव्यू आज. ये जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लोगों को लगता है कि एक बियर है, ये एक बियर नहीं है, ये वाइन है, कार्बोनेटेड वाइन है, जो कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली आई थिंक इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है. अभी कार्बोनेटेड वाइन जिसके अंदर ग्रेप वाइन, CO2, शुगर यूज हुई है 3-4%, उसके साथ साथ में इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर या कह लो नेचुरल फ्लेवर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं. ₹150 की बॉटल है, 375 ml, और इसकी जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है जिसके लिए फेमस है, जिसके लिए लोग पीते हैं टुन होने के लिए कि एक पी और खप सेट हो गए, तो वो है 15%. 15% की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में आती है ये ड्रिंक या ये वाइन, कार्बोनेटेड वाइन, ठीक है जी, बियर नहीं है, वापस बोल रहा हूँ. तो चलो अब खोल के इसे पोर करते हैं, पी के देखते हैं कि कैसी है ये ड्रिंक. आज तक मुझे कोई ड्रिंक पोर करते हुए डर नहीं लगा है, लेकिन इसे पोर करते हुए डर लग रहा है. अरे यार, पूरा पोर नहीं करूंगा तो नोट सही से नहीं आएंगे, लेकिन इतना मुझसे पता नहीं पिया जाएगा कि नहीं, बट फिर भी पोर तो कर ही देते हैं. ऑलराइट, यू कैन सी कार्बोनेशन गुड इनफ, व्हाइट वाइन जैसी ही है दिखने के अंदर, वैसा ही दिख रहा है ये ड्रिंक. बहुत ही भयंकर फर्मेंटेशन की जो नोट्स हैं वो है इसमें से. बहुत माइल्ड फ्रूटीनेस, उसके साथ साथ में जो अल्कोहल का पंच है वो अच्छे से फील हो रहा है ऑन द नोज. या This is what I'm getting. चलो अब पीकर देखते हैं. Cheers. इससे मुझे इतना डर लग रहा था ना कि इसको मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था कि इतनी ठंडी हो जाए कि थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो सेटल हो. आई थिंक वो वर्क भी करा है, बट माय गॉड, अभी भी इसको पीने के बाद मतलब मेरे अंदर से क्या बोलते हैं ना, आई कांट एक्सप्लेन. इतना ज्यादा फर्मेंटेशन है इस ड्रिंक में, पता नहीं, जैसे आई डोंट नो, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना कि लोग कई बार ऐसे बोलते हैं बियर को गधे का मुंह है, ये आई थिंक उससे भी गया गुजरा है, मतलब पता नहीं कौन से जानवर का मुंह होगा, आई डोंट नो, मैंने कभी किसी का पिया नहीं है मुंह, बट ये ड्रिंक के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पता नहीं कौन से जानवर का मुंह जैसा इसका टेस्ट है, मैं तो नहीं पी सकता हूँ ये. थोड़ा सा वाइन की तरफ जाता है ये ड्रिंक, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा कड़वाहट है, इतनी ज्यादा अल्कोहल का पंच है कि ये ड्रिंक पीना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, एटलीस्ट मेरे लिए. जिन लोगों को पसंद है, आई डोंट नो कैसे पी लेते हैं, मुझे भी बियर की कड़वाहट वगैरह जो है पसंद है, मुझे बिटरनेस अच्छी लगती है एक अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर, बट और लेकिन देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, बट और लेकिन, लेकिन ये ड्रिंक जो है वो मेरे हिसाब से तो पीने लायक नहीं है. फ्लेवर तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वापस से रिपीट कर लेता हूँ, अल्कोहल पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन द पैलेट,
उसके साथ साथ में व्हाइट वाइन की तरफ जाती हुई है, बहुत ही ड्राई है, व्हाइट वाइन से काफी ज्यादा ड्राई ड्रिंक है ये। या दिस इज व्हाट, और या फर्मेंटेशन या फर्मेंटेड जो ग्रेप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं, सो फर्मेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और लाइक फ्लेवर के अंदर ऐसा लगता है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम ब्रो कोड। अब बात करते हैं हमारे दारू तथ्य की, तो दारू तथ्य जो है वो ब्रो कोड से रिलेटेड नहीं है, दारू तथ्य है बियर से रिलेटेड। दुनिया के अंदर चाय और पानी ये एक ऐसे ड्रिंक है जो अक्रॉस ग्लोब वर्ल्ड वाइड जो है बहुत कंज्यूम करे जाते हैं, लेकिन उनके साथ में अगर कोई कंपटीशन देता है तो वो है बियर। आप ये समझिए कि चाय और पानी जो होता है ना वो तो कोई भी पीता है, मतलब दारू ना पीने वाला आदमी भी चाय और पानी तो पी लेता है, लेकिन बियर जो है वो उतनी ही अमाउंट के अंदर उतनी ही क्वांटिटी में कंज्यूम करी जाती है जितना पानी और चाय कंज्यूम करी जाती है अक्रॉस द ग्लोब। तो आप सोचिए बियर कितनी फेमस है, बियर कितनी फेवरेट है, कितने लोगों की फेवरेट है। तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ब्रो कोड ट्राई करने की जरूरत नहीं है भाई, ये पता नहीं किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया, मेरे को लगता है कि आपको बस एक साथ में पी के नाक बंद करके नशा करना है, एकदम क्या बोलते हैं सस्ता नशा करना है, एकदम गंदा नशा करना है तो इससे कर सकते हो, बाकी तो ये पीने लायक है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर सब पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज जेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन, चीयर्स।